नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलोत्पल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। दोस्तों, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। मैंने बाइक लेकर जा रहा था और हाईवे में मेरे को ट्रैफिक ने फाइन किया है हेलमेट के लिए, और ये फाइन मुझको देना पड़ेगा जो स्टेट बैंक का जो ब्रांच दिया हुआ है पर्टिकुलर उसी ब्रांच में जाकर ये फाइन देना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद जो फाइन का जो फाइन देने के बाद जो रिसिप्ट देगा बैंक बैंक से, उस रिसिप्ट को लेकर जो पुलिस लाइन है वहाँ पे जाने के बाद हमारा जो सीज डॉक्यूमेंट हुआ है वो मुझको मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो फाइन का जो प्रोसेस है ये आप घर से ही ऑनलाइन से ही ये पेमेंट आप दे सकते हैं और आज आपका जो समय है वो आप बचा सकते हैं। तो इस फाइन को हम देने के लिए मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कैसे इस फाइन को ऑनलाइन से आप घर से ही दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं वेस्ट बंगाल का हावड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो पुलिस मुझको फाइन किया है। तो वेस्ट बंगाल का एक सिस्टम है जिसका वेबसाइट में बता रहा हूँ जो ग्रिप्स नाम से जाना जाता है। तो मैं गूगल पे ग्रिप्स जो वेबसाइट ये ओपन करता हूँ। ग्रिप्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ये जिस वेबसाइट का पेज है ये ओपन हो गया है। और यहाँ पे डिपॉजिटर का जो नेम है मतलब जिसका फाइन हुआ है जिसके नाम से वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से एक बार ट्राई करने के लिए देख रहा था इसलिए मैंने पहले से डाला था। तो मैंने मेरा नाम डाल दिया है और मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, ईमेल आईडी ये भी डाल दिया है, जो मेरा गाड़ी का जो बाइक का जो नंबर है वो भी डाल दिया हूँ। और ऑफिस नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो ऑफिस का नाम है ट्रैफिक का वो लिस्ट में आ गया है। मेरा हावड़ा में फाइन हुआ है तो मैं जो हावड़ा हेड क्वार्टर इसका ऑफिस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और पुलिस स्टेशन का नाम दोस्तों यहाँ पे आपका जो पुलिस स्टेशन जहाँ आपका फाइन हुआ है वो आप यहाँ पे शायद नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस समय आपको फाइन देने के लिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो पुलिस स्टेशन था जो उलुबेड़िया वहाँ पे मेरा फाइन हुआ था, उलुबेड़िया का जो पुलिस स्टेशन का जो एरिया है उसका अंदर, लेकिन यह लिस्ट में उलुबेड़िया पुलिस स्टेशन नहीं है। तो मैंने सिंपली हावड़ा जो पुलिस स्टेशन इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप भी ऐसा किसी भी पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सेक्शन कौन सेक्शन में फाइन हुआ है तो आप देख सकते हैं मेरा जो फाइन हुआ था जो 129/177 जो बिना हेलमेट का जो केस 100 रुपया के लिए वो हुआ था। मैंने इस सेक्शन यहाँ पे एंटर कर दिया है। और यह कंपाउंड स्लिप नंबर जो ऊपर में था राइट साइड कॉर्नर का टॉप सेक्शन में, उस कंपाउंड स्लिप नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 17607। और यहाँ पे जो कंपाउंडिंग ऑफिसर नेम जो जिस ऑफिसर ने मुझको फाइन किया था उसका नाम भी इधर मैंने एंटर कर दिया। और जिस डेट में वो फाइन हुआ था मेरे 4 मई में फाइन हुआ था 4 मई और 2018 में। और पेमेंट मोड यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट भी है और काउंटर पेमेंट भी दे सकते हैं। तो मैंने डेबिट कार्ड पेमेंट को यूज करना चाहता हूँ इसलिए मैंने डेबिट कार्ड पेमेंट को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे मेरा जो फाइन हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का फाइन हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ आप देख सकते हैं ये बहुत सारा फाइन का जो प्लान है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 और 12,100 1,500 फिर एक बार और 1,700 इतना सारा फाइन का जो लिस्ट है। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपया को सिलेक्ट करता हूँ।
उसके बाद पे नाउ में क्लिक करता हूँ। पे नाउ में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट फॉर्म जो फिलअप हो गया है। मैंने जो जिस डेटा वहाँ पे डाला था यहाँ पे एक फॉर्म का रूप में आ गया है। और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट जो यहाँ का जो ऑफिस का जो डिटेल्स दिया हुआ है। और मैंने कॉन्फर्म में क्लिक करता हूँ। कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स दिखा रहा है आर सेव्ड, प्लीज़ सिलेक्ट ए बैंक। मैंने स्टेट बैंक को यूज़ करता हूँ, मैंने स्टेट बैंक को यूज़ किया है और यस में क्लिक करता हूँ। यस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए जो बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जो जीआरएन नंबर ये जनरेट हो गया है। तो मैंने सिंपली जीआरएन नंबर को कॉपी करता हूँ और फर्दर यूज के लिए मैंने इसको सेव करके रखता हूँ। मैंने इसलिए नोटपैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो जीआरएन नंबर था इसको मैंने सेव कर दिया है, डेस्कटॉप में सेव करता हूँ और इसको नाम देता हूँ जीआरएन नंबर, फर्दर यूज के लिए शायद लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हावड़ा पीएस बहुत सारा सेक्शन, ट्रांजैक्शन आईडी, कौन सा व्हीकल के लिए है उसका नाम, रिमार्क्स ऐसा बहुत सारा दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे देखिए नीचे एक लिंक दिया है, गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर डेबिट कार्ड पेमेंट, ये एक लिंक दिया हुआ है। मैंने इस लिंक में क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है और उसके बाद ये पेज ट्रांसफ़र हो जाता है, एसबीआई का जो पेमेंट सिस्टम उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। और यहाँ पे आपका जो कार्ड नंबर जो डिटेल्स वो देना पड़ेगा। तो आप भी इस आपका जो खुद का कार्ड है उसको डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इस कार्ड नंबर और डिटेल्स आपको दिखा नहीं सकते, आप तो समझ ही सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको एंटर करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा पेमेंट होता है। दोस्तों मैंने मेरा डिटेल्स डाल दिया है और प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए एक पेमेंट का जो पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए अमाउंट 100 दिया हुआ है और जी आर एन जनरेट डेट भी दिया हुआ है और रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। मैंने कॉन्फर्म में क्लिक करता हूँ। कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद 100 रुपीज़ आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आपका अमाउंट सही है। और उसके बाद फिर मैं एक बार कॉन्फर्म में क्लिक करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आ गया है, डेबिट कार्ड नंबर। और उसके बाद प्लीज़ वेट, देखिए यहाँ पे कंप्लीट जो पेड, देखिए यहाँ पे जो रिसिप्ट वो आ गया है। यहाँ पे मेरा नाम और व्हीकल का नंबर, मोबाइल नंबर और ऑफिसर का नाम बहुत सारा दिया हुआ है, जो जिस डिटेल्स मैंने डाला था उसका जो ई चालान वो भी जनरेट हो गया है। दोस्तों आप इस प्रोसेस को यूज करके आपका फाइन कभी भी आप दे सकते हैं। इसलिए अगर आप ये पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते तो आपको खुद बैंक में जाकर उस अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा और बैंक का जो चालान जो रिसिप्ट देगा उसको आप पुलिस लाइन में जाकर भी आप आपका जो सीज डॉक्यूमेंट है उसको आप पा सकते हैं। और आप ऑनलाइन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू आप इस प्रोसेस को यूज करके दे सकते हैं। और इस जो चालान जनरेट हुआ है इसको आप प्रिंट करके जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सीज हुआ है वहाँ पे आप जाकर इस डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं और आपका जो सीज डॉक्यूमेंट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या ब्लू बुक है, उसको आप पा सकते हैं।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों फिर से मुलाकात होगा अगले इस तरह एक वीडियो से। गुड बाय।